ये हो गया था क्या? तो और कौन सा दिया था? एक तो वो दिया था क्या? ये मैंने खुद किया था कि नहीं, ये पूछ रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन किया तो 3x² + 2, 2a + 3 + 3, 2a + 1। इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसको ऑलवेज पॉजिटिव कर देंगे तो d क्या होगा? अरे हाँ बोलो, b² - 4ac। 4 गया, इसके फैक्टर बनेंगे क्या? क्या गलत कर दिया? क्या ये क्या इसका क्या? तो अब ये 3 नहीं है, 9 है, तो 9 2 जा और इधर पे क्या 9, तो 12 में से 18 गए। लिखो साहब, जल्दी लिखो। इसका डिफरेंशिएशन करना था और उसको पॉजिटिव प्रूफ करना था, है ना? तो fx = 1/ln t dt, न्यूटन लेबनीज्ड थ्योरम, d/dx ऑफ fx होगा, जहां t लिखा है वहां अपर लिमिट, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट, फिर यहां पर क्या उसका डिफरेंशिएशन। बोलो इसका वेवी कर्व बनाओ। तो ये 1 पे 0, ये 0 पे 0, और इसके पीछे का तो वैसे भी चेक नहीं करना है, लॉक की गोद में नेगेटिव नहीं रख सकते। बोर्ड पे देखना साहब, 1 से बड़ा नंबर ई रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव। मेरा कहना है कि ये बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 पे 0, ये भी 1 पे 0, तो 0 पावर 0 को इवन मानो। फिर भी चेक करना है तो कर लो, 1/e रख के देख लो। ये -1 देगा, 1/e में से 1 गया तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, यानी कि f' क्या है? पॉजिटिव। तो fx क्या होगा? ऑलवेज है, जल्दी करो सर, आगे बढ़ो भाई। लीजिए क्वेश्चन साथ में लिखिए। हिंदी में कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो सदैव डिक्रीजिंग है और कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ना होना, मैक्सिमा ना होना, मिनिमा ना होना। क्रिटिकल मतलब जहाँ जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ, यानी कि जो अपन पिछली क्लास में बहस कर रहे थे ना कि f' को 0 मत होने दो, अटेंडेंस पे किसके साइन नहीं हुए अभी 4 से 6 वाले बैच के, इधर भेजो आगे, इधर बैठो दोनों, अटेंडेंस पे साइन कर देना। तो हमको f' नेगेटिव रखना है, 0 नहीं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ही होता है कि मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि f' को 0 नहीं होने देना। अरे बोर्ड पे देखो भाई, बोर्ड पे देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा। हमने f' निकाला, सर उठा के जियो, दोनों हाथ टेबल पे रखो, कॉपी टेबल पे रखो। हेलो दीदी, इंग्लिश मीडियम के हो, डोंट राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा? भैया देख ले भैया, सही है क्या? बोर्ड पे देखते रहना, देखना सही लिखा है क्या, cos 2x को ऐसा, सही है, बोर्ड पे देखते रहना। ये 2
इसके साथ सेटिंग करेगा तो माइनस चार हो गया, और पूरे में से माइनस चार कॉमन निकाल लिया, प्लस वन। ठीक, सुनना बड़े गौर से, यह क्वांटिटी हम चाहते हैं कि नेगेटिव रहे, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है और इज इक्वल टू जीरो करता, मगर उन्होंने नो क्रिटिकल बोल दिया इसलिए इज इक्वल टू हट गया। माइनस फोर जीरो में घुस गया, चूंकि नेगेटिव क्वांटिटी रिमूव करी इसलिए चिन्ह पलट जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू बी प्लस टू साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर बी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो प्लस यदि बी स्क्वायर होता तो ये क्या हो गया, तो साइन एक्स माइनस, और इसको बड़े गौर से देखो, इसका एक्सपांशन क्या होगा बोलो, बी स्क्वायर प्लस फोर बी प्लस क्या, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, फोर बी से फोर बी कैंसिल, वन माइनस फोर माइनस, यानी कि माइनस रूट थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री, मतलब क्या रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब सुनना साहब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोर्ड पे देखना, हाँ वो ग्रेटर है भाई, सही है, सर उठा के जियो। तो ये हो गया साइन एक्स माइनस बी प्लस टू माइनस रूट थ्री, और साइन एक्स माइनस बी प्लस टू प्लस रूट थ्री, सही है। मेरे दुख साइन एक्स, इधर क्या लिखा, साइन एक्स की वैल्यू जब ये होगी तो ये ब्रैकेट जीरो, साइन एक्स की वैल्यू जब ये होगी तो ये ब्रैकेट जीरो, तो ये हुआ बी प्लस टू माइनस रूट थ्री, और ये हुआ बी प्लस टू प्लस क्या, और साइन एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव, इसलिए वेवी कर्व यों आएगा यों जाएगा। अरे हाँ हाँ, इसके बाद ध्यान से समझना, यानी कि ये साइन एक्स इधर रहे या ऐसा, इसका मतलब साइन एक्स छोटा रहे बी प्लस टू माइनस रूट थ्री से, या साइन एक्स बड़ा रहे बी प्लस टू प्लस रूट थ्री से। सही है, अब मेरी बात सुनना, हमें b की वैल्यू निकालना है, तो हम कहेंगे कि ये क्वांटिटी साइन एक्स से बड़ी रहे, नखुन मत खाओ, तो हम कहेंगे कि ए साइन एक्स तू ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा हो सकता है, हम उससे भी बड़े रहेंगे, तो ये रहेगा वन से बड़ा, और इधर हमने कहा कि साइन एक्स से इसको छोटा रहना, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना छोटा हो सकता, कितनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, कहना हम तुझसे भी गिरी हुई हरकत करेंगे, तो यहां से आंसर आएगा, सब कुछ उठ के इधर आ गया, तो बी बड़ा रहेगा रूट थ्री माइनस वन से बी बड़ा, और इधर बी छोटा माइनस थ्री माइनस रूट थ्री से,
आंसर बना बी बिलोंग्स टू, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री माइनस रूट थ्री और रूट थ्री माइनस वन से इन्फिनिटी। दीदी आपने माइनस थ्री माइनस रूट थ्री नहीं बोला था, आपने माइनस थ्री रूट थ्री बोल दिया था। मतलब अभी तक का सबसे कर्रा क्वेश्चन क्या, डी नेगेटिव उस क्वाड्रेटिक में करते हैं जिसमें वेरिएबल दुनिया जमाने की वैल्यूज ले सकता है। यहाँ मेरा वेरिएबल सिर्फ साइन एक्स है, उसकी औकात माइनस वन से वन ही रहेगी। हाँ तो ठीक है ना, तुम वैसा कर लेना। ये क्वेश्चन लिखे साथ में। अरे यार क्या करना है वो तो लिखा ही नहीं है। निम्न में से कौन से उत्तर सही हो सकते हैं, ऐसा। अब ये चीज मैंने पढ़ाई थी, हमारे सुख हमारे दुख करके आईना सामने रखेंगे। अब आप अपनी बुद्धि से करो, नहीं तो हम तो कर ही देंगे। बोर्ड पे देखना साहब, देखो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 3x² - 18x + 15, तीन कॉमन निकाला x² - 6x + 5, x - 2 x - 3, नहीं x - 5 1। इसका मतलब एफ डैश एक्स का वेवी कर्व ये 1 ये 5, तो ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, एफ एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, सही है। हम ये देख लेते हैं कि एफ वन क्या होगा, फंक्शन वन पे जो मैक्सिमा दे रहा है वो कितना है। तो वन रखिए साहब 13, और 5 रखने पर क्या देगा, 5 रखने पर मिनिमा 5 रखिए, -19 आ रहा है सभी का, चेहरे से हाथ हटाओ, सही है। तो 1 से 6 तक जाना है साहब, 6 यहां पर है, तो 1 से 5 तक मेरा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो जो मेरा जी एक्स है वो 1 से 5 तक तो कैसा हो जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम दुख की बात की थी तो दुख लगातार कम हो रहे हैं, तो हम आईना सामने रख के चलेंगे। फिर 5 पे क्या हुआ, दुख बढ़ने लगे, और हमने कहा था हम तो कम से कम दुख की फोटो खींच के रख लेंगे, तो कम से कम दुख क्या था, -19। तो एक्स 5 से लेकर 6 तक हम उसी को देखेंगे, अरे हाँ हाँ, और फिर एक्स 6 से बड़ा है तो एक्स -18, और 6 रखने पर ये तो -12 होगा, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, 1 रखने पर 13, 1 रखने पे 13, फिर 5 रखने पर -19, फिर ऐसा सीधा, अरे हाँ हाँ, और फिर 6 पर कितना, -12, तो कुछ टूटा तो सही, और फिर ऐसा। तो 6 पे डिसकंटिन्यूअस सही है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, सही है ना, जी एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। अरे देखते हैं ना, सुनो, एक्चुअली 5 पर क्या है, मिनिमा, तो मिनिमा का स्लोप 0, तो ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा है, यूं आया और यूं हो गया, मतलब वो यूं आके जो यूं होना था इस हिस्से को काट के ऐसा सीधा हो गया,
तो डिफरेंशिएबल है, और 1 से 5 में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, सारे ऑप्शन सही है। अगला कह रहे हैं कि एक फंक्शन एफएक्स कुछ ऐसा है कि स्मॉल जीएक्स और स्मॉल एचएक्स इंक्रीजिंग है, तो आपको बताना है कि कैपिटल एफएक्स कैसा होगा। ए वाले हाथ उठाओ ए, बी वाले हाथ उठाओ बी, सी वाले हाथ उठाओ सी, अच्छे से हाथ उठाओ दीदी, दीदी दूर तक दिखाई देनी चाहिए, डी के लिए हाथ उठा, सी के लिए 3 लोगों का हाथ, मानस, तोमर और शोभनी। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे, मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे। आओ देखना साहब, देखिएगा बड़े गौर से देखिएगा, मेथड देखते रहना। बोर्ड पे देखते रहना, देखते रहना भाई। -6x +6x बोर्ड पे देख तेरे ना, -x³ + x³ बोर्ड पे देखते रहे ना, बोर्ड पे देखते रहे ना। x³ - 3x² + 3x। अरे हाँ, -1 और ठीक है। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे, भगवान रहे। ये 3 को तुम डिवाइड में भेज सकते, ये फंक्शन इंक्रीजिंग क्वेश्चन ने कहा है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग क्वेश्चन ने कहा है, ये इंक्रीजिंग हम जानते हैं, ये कांस्टेंट है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इस सारे इंक्रीजिंग को एक कदम और ऊपर उठा देगा। तो खूब सारे इंक्रीजिंग का सम इंक्रीजिंग, मगर तुम कहोगे कि ऐसा दिमाग एग्जाम हॉल में चले ना चले, इसलिए इसका नाम Method 1, Method 2 भी हम देंगे आपको। मेरे मन
मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। अरे आप लोगों के पास जो स्मॉल रेड बुक रखी है आप लोगों के घर पे, पुरानी पुरानी, वो जितनी भी हो, दो तीन भले ही हो, आप वो सारी मुझे दे दीजिए और मुझसे नई फ्रेश बड़ी ले लीजिए, ठीक है ना। तो सबके पास बड़ी रेड बुक होनी चाहिए। परसों की क्लास में सब लोग के पास जो छोटी है वो छोटी लेकर आना, एक्सचेंज करके बड़ी ले लेना, और जिनके घर पे नहीं है वो 50 रुपये लेकर आना। छोटी सी 50 की नोट के बदले इतनी बड़ी किताब दूंगा, मेथड 2 समझिए, वो ज़्यादा कंसेप्चुअल है। आइए देखिएगा, हमें ये जानकारी दी गई है कि जी एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब जी डैश एक्स कैसा होगा, यानी कि एफ डैश एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 से हमेशा बड़ी है। अल्सो एच एक्स का डिफरेंशिएशन भी तो पॉजिटिव होगा, यानी कि एफ डैश एक्स माइनस 3x स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स हमेशा बड़ा है किससे, देखना साहब। 3x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता होगा, 1 रखने पर 3 देगा और पैराबोला होगा, और एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा है, आंकड़ा 3 से ज्यादा है, तो 1 रखने पर 3 मिलता होगा। हम एफ डैश एक्स क्वांटिटी का ग्राफ बनाए तो वो तो हमेशा ही 3 से बड़ा है, चाहे 0 चाहे 1 चाहे 2, तो वो शायद यहां कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब उसकी बुरी से बुरी हालत अपन सोचे तो 3.000001 एफ डैश एक्स की वैल्यू, ठीक। वो मान लो कि बहुत देर तक कांस्टेंट ही रहा, मगर उसको इससे तो बड़ा होना ही है, तो वह हर समय इससे तो ज्यादा ही होगा। समझ रहे हैं आप बात को। अब इसकी बात करते हैं एफ डैश एक्स, तो वो एफ डैश एक्स माइनस 2x माइनस 1, तो एफ डैश एक्स 2x प्लस 1। मुझे तो तुम 2x प्लस 1 का ग्राफ इसी में बताओ कहां होगा, y = 2x प्लस 1, या अलग से बना लेते हैं। चलो 0 रखने पर 1 देगा, और 1 रखने पर कितना दे रहा, हा 3, और वो कुछ ऐसा जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा, देखना ध्यान से, 2x प्लस 1 का ग्राफ, उससे तो बहुत ऊपर है कौन, 3x स्क्वायर, और उससे भी बहुत ऊपर है कौन, एफ डैश एक्स। समझ रहे हो आप बात को। इसका मतलब 2x प्लस 1 से बड़ा रहता है कौन, 3x स्क्वायर, 1 के बाद, x = 1 पे देखो दोनों बराबर है, 1 के बाद की बात है। अरे हां, और 3x स्क्वायर से बड़ा कौन है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स बड़ा हो गया किससे, और 2x प्लस 1 उठ के इधर आया तो ये 0 से बड़ा हो गया, यानी कि ये क्वांटिटी कैसी हो गई,
आई बातें समझ में, आईआईटी ऐसा जिक्र करेगी, ये मेथड आपकी कॉपी में ना हो तो जरूर लिखना जिन तीन लोगों से बन गया था, ये मेथड अलग हो तो लिखना। प्रीमेटिव शब्द का मतलब कितने लोग जानते हैं, बस वो हाथ उठाएं। मानस डीप विश्वकर्मा, हिमांशु चौरसिया, सौरभ साहू पंडोलिया, अक्षय यादव। क्या होता है अक्षय यादव? बहुत बढ़िया, प्रिमेटिव शब्द का ही दूसरा नाम है अपना अगला चैप्टर। कितने लोगों के पास कुछ आंसर आ गया है? हाँ दीदी बोलो। अब बोलो, मानस भैया कह रहे हैं ए बी, और ए बी सही है, तालियां नहीं बजवा रहे। अरे यस यस, आइए देखिएगा बोर्ड पे, इतना ठीक है। इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या हो जाएगा? बोर्ड पे देखो ना, चेहरे से हाथ हटाओ, टू कट गया, तेरा नाम जी करेंगे बेड़ा पार, उन्होंने मन आहे को करे। एफ डैश एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा एफ एक्स प्लस वन। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वन प्लस एफ एक्स। एफ एक्स में वन जोड़ा वन घटाया, तो इसके नीचे जब ये आएगा तो वन, फिर माइनस वन अपॉन वन प्लस एफ एक्स। ध्यान से देखना बड़े भैया, ध्यान से देखना, इधर देखना, सुनना बड़े गौर से भैया। तुम्हारा एफ एक्स क्या है? जीरो से बड़ा, उसमें वन जोड़ा दोनों तरफ, तो वन प्लस एफ एक्स वन से बड़ा, उसका रेसिप्रोकल किया वन से छोटा, और ये क्वांटिटी जब वन से छोटी है तो वन माइनस वन से कम पॉजिटिव, इस वजह से दैट्स व्हाई एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब मेरी बात सुनना, एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो इन्फिनिटी के दिन इन्फिनिटी देगा, तो एल हॉस्पिटल लगाया तो इसी लिमिट की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स अपॉन वन, यस। और एफ डैश एक्स ये रहा मेरे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एफ एक्स, इन्फिनिटी के दिन इन्फिनिटी देगा। चेहरे से हाथ हटाओ, वन माइनस जीरो वन, बी बी सही। अब वो दोनों सही तो नीचे के दोनों कन्फर्म गलत। मैंने तुमसे कही थी आज बच्चे कम है तो अपन ज्यादा काम का पढ़ा देंगे, वो इस सदमे में तो रहेंगे कि ए ओ डी उनने पढ़ लिया, मगर बनेगा कि नहीं बनेगा आईआईटी के हाल में, वो परसों के दिन ईद के चक्कर में नहीं आए। आज अनंत चौदस की वजह से नहीं आए, छापो नहीं ना तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। अब हेडिंग डालो, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम है,
लिखिए ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मान लीजिए कि फंक्शन ऐसा है इंक्रीजिंग ए से लेके बी तक में, तो ये उसका मिनिमम, ये उसका क्या, यदि डिक्रीजिंग है तो ए पर मैक्सिमम, बी पे एफ बी मिनिमम। फंक्शन ऊपर जाके नीचे आया तो बीच में कहीं मैक्सिमा और ये मिनिमा, ये इससे नीचे चला जाएगा और ये सबसे ऊपर रहेगा। जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ये मैक्सिमा, तो ये मैक्सिमा और ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम। एक क्वेश्चन करिए फास्ट, चलो मैं करता हूं इसको, देखना। हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ढूंढना है, तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? यस, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ई रेस टू द पावर कुछ भी थी, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, जीरो में डाल दो, टू को भी डाल दो, एक्स बराबर क्या, शायद मैक्सिमा या मिनिमा कुछ होगा। ओ भैया, सफेद टी शर्ट वाले भैया कहाँ लिखने में लगे हो, हाँ? तो गोलू यहां देख लेना, ग्राफ बना क्या करेगा भाई। तो हम एफ माइनस पांच, एफ टू और एफ फाइव तीनों निकालेंगे। हमको डोमेन दी है और हमसे कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट लिस्ट निकालो, तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ डैश जब जब जीरो हो रहा है, वो पॉइंट्स ज्यादा भी हो सकते हैं, उसके अलावा शुरू और अंतिम बिंदु भी चेक करेंगे। तो एफ माइनस पांच का मतलब बोलो कितना हो गया, आठ। तो ये कुछ काम का नहीं रहा, ये तुम्हारा मिनिमा हो गया, मिनिमम हो गया, और ये क्या हो गया, अगला। अपन ने डिफरेंशिएशन किया, सुनो ए, तो थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स, अपर लिमिट को पुट किया, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट को पुट किया, मगर सब बेकार हो गया उसका डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स, सही है, बोर्ड पे देखते रहना, बड़े काम की चीज। आर नाम की चीज सिखाई होगी, तो फाइव का मल्टीप्लाई फाइव का डिवाइड, तीन चार, तो ये क्या, इसका नाम अल्फा। तो ये क्या है, कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा, यानी कि ये क्या है, फिजिक्स के टीचर ने शायद सिखाया हो कि इसको लगभग 53 डिग्री कहते हैं, यानी कि ये लिखा है 5 साइन एक्स प्लस 53 डिग्री, ठीक। ऊपर वाला 37 है,
45 इंटू 5 बोलना बे, शर्ट का बटन लगा। हाँ बोलो। 225 डिग्री क्या लिखा है ये? इतनी देर क्यों लगी? 45 मत सोचो, 50 सोचो। 50 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 60 चौक, 225 में 53 जोड़ो, 278, इसमें 53 जोड़ो तो 278 और 293, ये कौन से क्वाड्रेंट में है सब कुछ? और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा? इज नेगेटिव इन गिवन एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स नेगेटिव तो एफ एक्स कैसा? पूरे टाइम डिक्रीजिंग। तो इस वजह से कैपिटल एम होगा 5π/4 से लेकर 0, मैक्सिमम ही 0 है, मिनिमम 5π/4 से लेकर x की वैल्यू 4π/3, 3 sin t प्लस 4 cos t, तो sin t का इंटीग्रेशन cos t माइनस के साथ और 4 cos t का 4 sin t, और अब आप ये लिमिट रख देंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जल्दी करो अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। अगला क्वेश्चन लीजिए, होमवर्क। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क। अरे इंग्लिश मीडियम के बच्चों, इस शब्द का मतलब कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। अरे बस हाथ उठाना, हाथ उठाना, हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाओ ऐसे। अरे वो नहीं सुना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब अनिश्चितता का सिद्धांत। निश्चित करो क्या? अरे रुको रुको, इस शब्द से कुछ याद आया। स्पेलिंग सही है गलत है? ये होना चाहिए जोश क्या? नहीं भैया, नहीं।